बढ़ते आगे झारखंड की खबरों की बात कर लेते हैं। वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर एचईसी कर्मियों की हड़ताल 37वें दिन भी जारी है। कर्मियों ने बुधवार को तीनों प्लांट और मुख्यालय के समक्ष एकत्र होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। आज एचईसी कर्मी बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रमिक नेताओं ने कहा कि जब तक प्रबंधन लिखित आश्वासन नहीं देता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रबंधन हड़ताल को कमजोर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहा है लेकिन इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं एचईसी कर्मी। अपनी मांगों को लेकर 37 दिनों से हड़ताल पर हैं ये सभी। बीजेपी कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 37 दिन से आंदोलन पर हैं एचईसी कर्मी। आपको भी पता है कि वहां पर बाकायदा एक कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है जहां पर सभी आंदोलनकारी खाना बनाते हैं रहते हैं। उनका कहना है कि एचईसी कर्मियों के लिए अब जब तक जो आश्वासन दिए जा रहे हैं अगर लिखित नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, एचईसी कर्मी 37 दिनों से हड़ताल पर अब आज बीजेपी कार्यालय के घेराव के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ये आंदोलन का एक स्वरूप है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वहां पर भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह एचईसी आता है। तो एक ऑप्शन के रूप में इन्होंने यह चुना कि पार्टी कार्यालय का घेराव किया जाए। इस दिशा में आज लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर अभी प्रदेश मुख्यालय जो बीजेपी का है वहाँ उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही, अगर एचईसी खोला नहीं गया, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया, बकाया वेतन अगर भुगतान नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है कि उस क्षेत्र में प्रत्याशी को भी घुसने नहीं दिया जाएगा और भाजपा के खिलाफ मत किया जाएगा। तो यही कुछ आह्वान और यही नारे के साथ यहाँ पर लोग अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आरती, देखिए आज वहाँ बैठक भी होनी है बीजेपी कार्यालय में, तो अगर ये आंदोलन करने यहाँ पर पहुंचे सभी एचईसी कर्मी तो क्या कोई नेता, कोई प्रतिनिधि बीजेपी की तरफ से सामने आया हो जो जिन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई प्रमुख नेता नहीं है। यहाँ पर जो कार्यालय में जैसे कार्यालय मंत्री हैं या फिर अन्य जो स्टाफ होते हैं वो लोग हैं। कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो कि यहाँ पर आकर इनकी बातों को सुने या इन्हें आश्वासन दे। आज विधायक दल की बैठक जरूर है, वो शाम 7 बजे से है और उसमें विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित चर्चा होगी। लेकिन यह विषय भी कल मैंने पूछा था जो नेता प्रतिपक्ष है तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीर है और इस खेल को इसका सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है और जल्द ही खेल जो भारत सरकार का सरकारी उपक्रम है उसके तहत यह इसका रिनोवेशन होगा। क्योंकि देखिए, एचईसी बहुत पुरानी कंपनी रही है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। कभी यहाँ 25,000 मैन पावर हुआ करते थे, अभी ये 7-8 हजार अब मुश्किल है क्योंकि इसके पास कार्यादेश भी है। एचईसी का कंट्रीब्यूशन देश के कई ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहा है तो इसकी एक अपनी गरिमा रही है। यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी है वो यह चाहते हैं कि इसकी गरिमा बनी रहे, इसके लिए इसे चलना बहुत जरूरी है। चलने के लिए कार्यशील पूंजी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन अभी तक मिलता रहा है लेकिन इस दिशा में, क्योंकि देखिए कोई भी नीतिगत मामला होता है उसमें समय लगता है लेकिन इन लोगों का 20 महीने से वेतन लंबित है, यह भी एक गंभीर बात है। कोई आंदोलन ऐसे नहीं करता है। तो ये राजेश, ये बहुत अहम होगा देखना कि ये जो लगातार आंदोलन 37 दिनों से आंदोलन चल रहा है और आज बीजेपी कार्यालय का भी घेरा हुआ है तो कितनी जल्दी इनकी मांगों पर सुनवाई हो पाती है, ये बहुत अहम होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।